नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों को HCF का सुपर फास्ट ट्रिक बताने आया हूं। अभी तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तो दोस्तों वो जानने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए ट्रिक, कोई भी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चुटकियों में निकलेगा चाहे जितना बड़ा हो। आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर एक फैक्टर शब्द आता है, फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों 20 का फैक्टर। अगर 20 के हमको फैक्टर लेने हैं तो 1, 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 10 एंड 20, ये हमारे ऊपर 20 के फैक्टर। अगर 20 के मल्टीपल कोई कह देता तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझिए, तो 20 के ये क्या है, 20 के फैक्टर हैं जो HCF में यूज होता है। अब यहाँ 20 के कोई मल्टीपल कह देता, जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM में होता है, तो यहाँ 20 में क्या होता, 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 4 80, n फॉर एनी नंबर, लास्ट तक चलते रहिए, अनंत तक चलते रहिए। तो फैक्टर का तो एक लिमिट होती है, फैक्टर की एक सीमा होती है, बट मल्टीपल की कोई सीमा नहीं होती है। तो दोस्तों हमें अभी चर्चा करना है HCF पे, तो फैक्टर में और इसमें समझ लीजिए, इसमें समझिए। देखिए कि यहां से हम चलते हैं कि क्या कंडीशन है HCF की, वो है बड़ी से बड़ी संख्या। HCF की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एग्जांपल देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे HCF कहते हैं। जैसे देखो यहां पर हमने किया 2 और फिर हमने यहां पर कर दिया 4 का HCF, मतलब HCF, तो इसका जो HCF आया वो 2 आया, तो ये 2 हमारा क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, करके देख लीजिए, क्लियर। अब एक और हम देख लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 2 एंड 5 का HCF, ये हमने किया, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहां से देखो ये दोनों इसको क्या करेंगे, इस दोनों को ये डिवाइड जरूर करेगा, किसी भी संख्या में एक से बाद में वैल्यू के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें तो हम जानते हैं, अब आइए हम बताते हैं सुपर ट्रिक, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों एक HCF का सुपर ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सुपर ट्रिक HCF का क्या है, वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, HCF या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, क्लियर। अब ध्यान से यहां पर देखे कि अगर हमको लेना है 20 तथा 25 का HCF, 20 तथा 25 का HCF, तो क्या करते हैं, इसका क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, अंतर बोलो कितना आएगा, 5, अंतर 5 हो गया, और 5 के हम गुणनखंड देखते हैं तो 1 कॉमा फैक्टर क्या होंगे, 5, तो 5 से जरा काट के देखें क्या 5 से कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5, यही आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, अगर यहां पर हमने ले लिया 25 और 90, अगर इसका हम अंतर निकाल के देखें तो दोस्तों इसका अंतर बोलिए कितना होगा, यहां पर 90 में से 24 घटा दीजिए, बी फॉर डिफरेंस लेना है, तो यहां पर 10, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां देखेंगे 6 हो जाएगा, और यहां पर 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो गया, 66 हो गया। अब यहां 66 अंतर आ गया, डी फॉर डिफरेंस, इसका डी कितना आ गया, 66, तो या तो अंतर ही उसका HCF होगा या इसका कोई कोफिशियंट होगा, तो 66 का हम कोफिशियंट अगर ले ले तो 66 को काट लीजिए, यहां पर कर लीजिए जल्दी से, तो 2 से काटेंगे, तिया, फिर हम यहां से किससे कटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, 11, क्लियर। अब 66 के जो कोफिशियंट हो गए वो 1, 2, 3, 11, 3 हो गए। अब देखो या तो इसका कोई कोफिशियंट या तो 66 होगा या इसके कोई फैक्टर होंगे, तो फैक्टर में देखते हैं 24 किससे कटेगा, अगर इसको हम देख लें यहां पर 6 कर लें तो ये 6 होगा, 3 गुना 6, तो 6 से काट के देखो 6 चौके 24 भी कट जाएगा और 6 90 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
देखिए दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और देखिए, अगर ये दिया है 72 और 90 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमने आपको क्या बताया है, फास्ट करिए इसका डिफॉल्ट डिफरेंस निकालिए, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 18। अब जरा देखो कि 18 या तो उसका डिफरेंस ही उसका आंसर होगा या इस 18 का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए 18 × 72 ये भी कट जाएगा, 18 × 5 = 90, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इधर देख लो, अगर कोई 3 अंक दे देता है, 4 अंक 5 अंक कुछ भी दे देता है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन 3 संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस किसके बीच आता है। तो सबसे कम डिफरेंस अगर देखा जाए इसके बीच ज्यादा हो जाएगा इन 2 संख्याओं के बीच, सबसे कम डिफरेंस। देखिए क्या लिख रहा है, वे 2 संख्याएं लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो अब यहां पर सबसे कम है तो D4 कितना आ गया 30, तो या तो 30 ही आंसर होगा या 30 का कोई कोफिशिएंट होगा। तो यहां देखिए 30 से तो ये कटेगा नहीं, तो 30 का अगर हम कोफिशिएंट कर लें फैक्टर, तो यहां से काटेंगे तो 2 से कटेगा 15, तो 3 × 5 और यहां पे 5, क्लियर। अब यहां पर देखेंगे कि जो हमने ये देखा तो इसका कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30। अब यहां पर 6 × 5 = 30 और यहां पर देखेंगे 8 × 6 = 48, तो इन 2 को अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 90, 6 × 2 = 12, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 30 का अगर हम कर देंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 5। इसी फैक्टरों को देखें तो इनके फैक्टर कितने होंगे, 3 × 6 भी तो फैक्टर होगा, 6 × 5 = 30, तो इसका आंसर कितना हो गया 6। 6 से काट के देखो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक बड़ा लेके देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ये दिया है और ये दिया है, इसका एचसीएफ बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे अंतर लेना है और सबसे कम अंतर। तो देखिए सबसे कम अंतर इनके बीच तो ज्यादा हो जाएगा, इसके बीच भी ज्यादा हो जाएगा, इसके बीच ले लेते हैं, तो इनके बीच का जो डिफॉल्ट डिफरेंस आया, डिफरेंस मिनिमम लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 255। तो या तो 255 आंसर होगा या 255 का कोई कोफिशिएंट होगा, सॉरी फैक्टर होगा। तो 255 का फैक्टर कर लेते हैं, 255 का अगर फैक्टर करेंगे 5 × 5 = 10, 2 = 12, यानी कि ये हमारा 3 से कटेगा, क्लियर 3 से कटेगा, तो यहां पर काटेंगे 7 × 3 = 21, तो 7 × 3 = 21, इसको 7 × 4 = 28 करो, 7 × 4 = 28, यहां पर जो है हम यहां पर काटेंगे 255 को काट के देखते हैं, 3 से फैक्टर करिए, 3 से कटेगा 5 × 10, अब यहां करेंगे 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, और यहां पर ये बचेगा, यहां पर 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, अब यहां ये 5 से कटेगा, तो 5 से जब हम काट के देखेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, और 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, और यहाँ पर 17 से काटेंगे, 17 × 1 = 17। अब ये कोफिशिएंट हमारा हो गया, तो देखिए इस क्या होगा 3, 5, 17, इसी में से एक होगा। तो यहाँ देखो अगर इनका काट के देखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 17 से काट के देखो ये इसका क्या हो गया आंसर, क्लियर। अब दोस्तों इसका भी देख लेते हैं, एक और बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या करना है, ये 3 संख्या दी गई है, सबसे मिनिमम डिफरेंस इसके बीच मिलेगा। देखो इसके बीच लेंगे तो भी दिक्कत होगी, ज्यादा हो जाएगा, इसके बीच भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं इसके बीच हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, 2 संख्याओं को इसको छोड़ देंगे, तो ये D4 हमारा कितना आ गया 26, यानी कि लास्ट में 6 बचेगा, 206 बचेगा, और ये 200 कितना है 266। तो या तो 266 का HCF होगा या 266 का कोई फैक्टर होगा, तो देख लेते हैं 266 का फैक्टर करके, 266 का फैक्टर करते हैं, 6 × 6 = 12 = 14, ये हमारा किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, अब इसको काटेंगे 3 × 3 = 6 = 7, नहीं कटेगा, इसको जो हम काट के देखें तो ये संख्या हमारी 19 से कटेगी, ये संख्या हमारी 7 से काट के देखें 7 से, तो 7 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 7 × 9 कितना होता है 63, 7 × 9 = 63, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, तो इसका ये तो आंसर 19 है, तो 7 जरा काट के देखो 2 से कटेगी नहीं कटेगी, 7 से काटेंगे नहीं कटेगी, तो 14 से भी नहीं कटेगी, इसका आंसर कितना हो गया 19, तो इसका आंसर कितना हो गया 19, क्लियर। आइए एक और देख लेते हैं, देखिए दोस्तों इसको करना है, अगर ये 4 की कोई संख्या ली गई है, सबसे मिनिमम डिफरेंस को
सबसे मिनिमम डिफरेंस इसके बीच मिल रहा है क्लियर और मिनिमम डिफरेंस कितना मिल रहा है 6 देख लीजिए अब हमें या तो 6 ही इसका आंसर होगा या तो 6 का कोई कोएफिशिएंट होगा 6 का क्या होगा 2 और 3 होगा तो पहले 6 का देख लेते हैं तो 6 8 48 95 6 2 12 6 2 12 6 6 इसका आंसर कितना हो गया 6 ही इसका आंसर हो गया डिफरेंस इसका आंसर हो गया अब यहां देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि मिनिमम डिफरेंस किसके बीच मिल रहा है तो मिनिमम डिफरेंस अगर देखें तो मिनिमम डिफरेंस इसी के बीच मिल रहा है कोई मिनिमम डिफरेंस d4 कितना है यहां देखें 7 तो या तो 7 इसका आंसर होगा hcf या इसका कोई कोएफिशिएंट होगा तो 7 से काट कर देखो नहीं कटेगा और 7 तो नहीं हो सकता अब 7 का कितना होगा 1 एंड 7 यही होगा तो इसका आंसर कितना हो गया 1 तो इसके hcf कितना हो गया 1 हो गया देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं एक 1 2 3 4 5 6 अंक का है तो सबसे पहले अगर इसका हम जनरल निकालेंगे तो टाइम लगेगा तो देखिए डिफरेंस मिनिमम किसके बीच होगा डिफरेंस मिनिमम इसके बीच दिख रहा है आपको तो d4 अगर हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और यहां चलेंगे कितना हो जाएगा 54 यानी कि आप देखा जाए तो कितना हो जाएगा 54 हो गया अब या तो 54 आंसर होगा या 54 का कोई कोएफिशिएंट होगा तो 54 का क्या होगा कोएफिशिएंट 2 3 3 3 3 3 9 3 27 27 गुना 54 क्लियर अब जरा ध्यान से देखो कि इसमें से कोई कोएफिशिएंट होगा तो 3 काट के देखो 3 से कट रही वैल्यू 3 से कट रही है वैल्यू 3 से कट रही है तो 3 तो इसका 3 को हम ले लेंगे क्लियर अब यहां पर 2 लेंगे तो 6 से देखिए नहीं कटेगी क्लियर तो अगर 3 से कट रही है तो एक 3 और ले लेते हैं तो 3 त्रिक का कितना हो गया 9 क्योंकि संख्या क्या कहता है बड़े से बड़ी संख्या तो 3 तो छोटी हो जाएगी वो 3 से बड़ी क्या 3 त्रिक का 9 तो वो संख्या किससे कटेगी 9 से भी कटेगी देख लो यहां पर 6 7 8 9 ये भी 9 से कट जाएगी ये भी कट जाएगी ये भी कट जाएगी सारी संख्याएं इसका आंसर कितना हो गया 9 तो इनका आपस में क्या कर देते हैं गुणा अगर 3 आया तो 3 एक 3 बचा है 3 त्रिक का 9 तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया अब दोस्तों अगर आपको मेरा फुल वीडियो देखना है तो मैंने सेकंड वीडियो डाल रखा है क्लियर आप वहां से देख लीजिएगा कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम का वीडियो आपको मिल जाएगा धन्यवाद